शेन, और कोई खबर? नहीं सर। मार्गरेट, क्या मुझे कॉफी मिलेगी प्लीज? जी सर। हमारी फैक्ट्री इन स्लम्स के बीचों बीच है। हाँ, लेकिन ये चीफ मिनिस्टर की प्रॉब्लम है, वहां स्लम्स होने ही नहीं चाहिए। हाँ मैं जानता हूं। सर, हमें पीछे हटना होगा, यही एक रास्ता है। मुझे इन लोगों पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। इसे निपटाओ किसी तरह। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। देखिए, हमको पैसा दीजिए। एक पैसा नहीं, रिक्शा किराए का हम रिक्शा बनवाना है। एक पैसा नहीं। क्योंकि तुम लाखों में एक हो रेखा। बस्ती वाला जलते हैं ना? हाँ वो जलते हैं, क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो। मत करो। ये कोयला लाए थे, गीला है। सुंदर ने उधार देना भी बंद कर दिया है। ये देखो आटा। भाभी, मुझे आंटी बुलाए आज। ये गोपी चाचा ने रोटी दे, उनके मेहमान अटारा का जबान पे ताला लग गया है क्या? चलो चलो। क्या खाओ? सारा हिंदुस्तान बरसात की दुआ मांग रहा था। 84 के घोर सूखे से देश जूझ रहा था, पर एक खुशखबरी भी थी, हमने अंग्रेजों को हरा दिया था क्रिकेट के वर्ल्ड कप में। और भोपाल जैसे इस छोटे शहर में सरकार खुले दिल से एक अमरीकी कंपनी को कारखाना डालने का न्योता दे रही थी, ताकि बेघर गरीब को भी नौकरी मिल सके। और मैंने ग्रेजुएशन पूरी की और अपना अखबार शुरू किया। मैं मोटवानी, अपने अखबार डेली रिपोर्ट का इकलौता मालिक और रिपोर्टर।
भोपाल के लोगों ने कार्बाइड के लिए अपनी हिम्मत दिखाई और मैं उनकी आवाज बना। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मल्टीनेशनल इस शहर में थी, एक बेहतर भविष्य के वादे के साथ। मैं भोपाल के हर इंसान की आवाज बनना चाहता था, सड़क पर रहने वाले इंसान की भी। टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा, ऊपर से प्रेशर भी है। फिर से विजिट। विजिट अब किसकी? ये जो कबाड़ा देख रहे हो ना, ये सब यहाँ से उठाने का है। अमेरिकन्स आ रहे हैं। शंकर ये लॉक देख लेना। चल चल चाय पीते हैं। अच्छे से धोले, बाद में काम आएंगे। ये पुरानी साड़ी है, हर महीने एक साड़ी। अब मैं क्या करूं? सब्जी आटा चावल पूरा राशन पानी भर के लाया। बनिए से उधार लिया है? कार्बाइड में काम किया है। नहा के घर आना। अरे राजू, राजू चल बेटा यहाँ पे। अरे वाह, बहुत अच्छी कलाकार है मेरी बहन, बहुत अच्छा बनाया। चल तस्वीर बहुत अच्छी बनाई है, जाके अंदर जाके गणेश की पूजा कर, पति अच्छा मिल जाएगा। अंदर ले जा, पति अच्छा मिल जाएगा। कुंती बुआ से बात हुई, रिश्ता तो अच्छा है। आगे बात बढ़ाऊं? क्या हूं कर रहे हो, बहन है तुम्हारी। रिश्ता। बाबू 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 इधर बाबू, लाओ सलाम अलैकुम। भाई इधर ला पैसा, चल इधर आ। कितने के ये? इतना पैसा क्या पैसा भाई? और अगले हफ्ते का? ये हफ्ते का फिर देना। चल मशीन ठीक होने में कितने दिन लगेंगे? वही बॉम्बे से पार्ट्स आने में 2 दिन तो लगेगा। अभी तो क्या क्या हो रहा है? सफाई। चल जा। सफाई के लिए वर्कर तो चाहिए। करो, 2-3 घंटे बढ़वा दूंगा पगार में। ए, उम्मीद मत रखो। आपका एक्सरे नॉर्मल है डॉक्टर। हाँ, जब से कार्बाइड में काम करना शुरू किया है
तब से तबीयत बहुत खराब रह रही है डॉक्टर। सारे केमिकल्स जो कार्बाइड में इस्तेमाल होते हैं वो इंसानों के लिए हानिकारक नहीं है, ठीक है? सब नॉर्मल है। नेक्स्ट नेक्स्ट। सर सेफ्टी वॉल खराब हो गए हैं, हमें प्रोडक्शन रोकनी पड़ेगी। प्रोडक्शन बढ़ानी है तो MIC बहुत इस्तेमाल करनी पड़ेगी, 2400 घंटे। कैसे? टैंक छोड़ दो, मजदूरों पर दबाव डालो। सर नहीं हो सकता, मेंटेनेंस की जरूरत है। एसिडिक MIC से पाइप खराब हो गए हैं, लीकेज है, जंग है, कचरा है। पहले ही हमें हर हफ्ते पाइप बदलने पड़ते हैं, ये नहीं हो सकता। हम मेंटेनेंस के लिए प्रोडक्शन नहीं रोक सकते। साहब आपको एक जरूरी बात बताना चाहता था। राकेश पहले हमें बताओ, इतने साल हो गए तुम्हें यहाँ, नियम भूल गए? सर IMC यूनिट में जो केमिकल है उससे मेरी तबीयत खराब हो रही है। सिगरेट छोड़ दो, अपने आप ठीक हो जाओगे। मैं सिगरेट नहीं पीता सर। अगर ये चीज खतरनाक होती तो वो इसे स्कूल और शॉपिंग मॉल के पास नहीं बनाते, मैंने खुद अपनी आंखों से विदेशों में देखा है। पर सर मैं सर ये लोग ना सर कभी नहीं सुधरेंगे। आप चलिए चलिए। कार्बाइड वाले को पल्मोनरी एडिमा। गुड मॉर्निंग सर। धासु एयरलाइन है मोटवानी, तुमने तो मेरी नौकरी गंवा दी थी। मेरी माफी नहीं पड़ी आपने? हाँ, कहीं एक कोने में डॉक्टर चंद्रा कभी कोई गलत काम नहीं करता है। चेरी रेड ब्लड, सिम्टम्स ऑफ साइनाइड पॉइजनिंग। पॉइजन? हे मैंने कहा साइनाइड। जब ये जहर स्किन को छूता है तो MIC शायद उसे जला देता है। hey, मैंने कहा कि शायद उसे जला देता है, समझे? और अगर तुमने कुछ भी गलत छापा तो तुम्हारा पोस्टमार्टम करूंगा। आपके कहने का मतलब है आप भोपाल के इकलौते सेवक को मारेंगे? ओह, वैसे ही अनाप शनाप खबरें तुम्हें देता कौन है? वो तो मैं आपको नहीं बता सकता ना सर। वैसे आज का पहला पेशेंट कौन है? कार्बाइडर। जाओ वरना वो तुम्हें पेशेंट बना देंगे। हम अच्छे खानदान में ही रिश्ता करते हैं। हमारा कार्बाइड में काफी मान सम्मान है।
मेरा बेटा हाई स्कूल पास है। हमारी बहन भी बहुत होशियार है। डर मत। अरे रोला बहुत अच्छा है ना? डर मत, आदमी बातें करता है और शादी के बाद हमें उन्हें संभालना पड़ता है। चल जा। ठंडा समोसा। खुश रहो, कुछ काम की बातें हो जाएं। अब साइकिल तो हम देंगे ही देंगे। मेरे बेटे को गाने का बहुत शौक है, साइकिल के साथ साथ ट्रांजिस्टर भी चाहिए। पहले शरबत तो पीजिए। मिस्टर चौधरी, क्या हम ठीक कर लेंगे? अच्छा सुनिए मिस्टर चौधरी, एक और प्रॉब्लम है। क्या? इंस्टॉलेशन प्लान पर एक ऑपरेटर कम है और इससे परेशानी हो रही है। उधर आओ। जी जी साहब। आइए। आप कर क्या रहे आइए मिस्टर रॉय? क्या जी साहब? नहीं, क्या करना? नहीं नहीं, ये नहीं कर सकता मिस्टर चौधरी, ये गलत है। ये जब 30 के नीचे आ जाए रॉय साहब को तुरंत बताना। अब ये तुम्हारा नया काम है, इस पे ध्यान रखना है और रॉय साहब तुमको सुपरवाइज करें। नहीं, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। मैं सेफ्टी ऑफिसर हूँ, मुझे पूरे फैक्ट्री में घूमना पड़ता है, मैं कैसे करूंगा सुपरवाइज? देखिए मिस्टर रॉय, ऊपर से ऑर्डर आया है कि जिस दिन हमारी ओर से प्रोडक्शन कम उस दिन ये फैक्ट्री बंद। नहीं सर, हम फैक्ट्री नहीं बंद होने देंगे। देखा, ये सिर्फ एक मामूली मजदूर है, इसे कहते हैं वफादारी मिस्टर रॉय। तुमको इसका ख्याल रखना है। ये राकेश की यूनिफॉर्म। जी सर। तुम इसका लायक हो, अब तुम्हें साबित करना है। कर रहे हो? मैं मनीला में हूँ और इन्होंने मुझे वहाँ भिजवाया। तो आखिर तुम भोपाल पहुँच ही गए टेड। क्यों, तुम नहीं चाहते थे? मनीला भिजवाने से पहले थोड़ा वक्त तो दे दिया होता। शेन साहब। मिस्टर गुप्ता, आप मिस्टर पीटरमैन को जानते हैं ना? तो काम करें। हमारे आने की खुशी में इतनी सफाई। आप यहाँ बैठे। हेलो सर। हेलो, हाउ आर यू? गुड गुड। ये क्या है? उस हादसे की रिपोर्ट सर, मिस्टर एंडरसन चाहते हैं आप एक नजर देख लें। मैं यहाँ इतनी दूर इन सब चीजों के लिए नहीं आया हूँ, सेफ्टी एक लोकल मामला है। मुझे पिछले 5 सालों का पूरा हिसाब चाहिए मिस्टर गुप्ता, और माल कितना बिका वो भी। Hey Ted, मैं यहाँ एक्सीडेंट वाले केस के लिए आया हूँ, तुम क्या कर रहे हो? अकाउंट्स और हिसाब किताब वगैरह, यही मेरा काम है। तुम जाकर अपना काम करो, समाज सेवा करो उन लोगों की। वो हमारे एम्प्लॉयज हैं। ग्रेट, बस उन्हें वो प्रॉमिस मत करना जो हमने दे नहीं सकते, जैसे पैसे जो हमने कमाए नहीं। मॉनसून लेट है सर। हाँ तो हमारे सेल्स टारगेट काफी हद तक बारिश, किसान और अच्छी फसल से जुड़े रहते हैं, जिससे हमारे क्लाइंट्स बढ़ते हैं। ये तुम्हारा काम है, मैं तो समाज सेवक हूं ना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुरान सीख रहा हूँ ताकि और अच्छा इंसान बन सकूं। ओ, पर तुम तो मुस्लिम नहीं हो। लेकिन ऊपर वाला एक है। ये तुम कह रहे हो? शुक्रिया रशीद, मुझे वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए। मैं जानता था तुम आए, तुमने दुआ की और फिर तुम्हें कुछ चाहिए।
तुम्हें क्या लगता है मजहब यही सिखाता है? कार्बाइड पर केस करने में मेरी मदद करो रशीद। मोटवानी एक गोल्ड मेडलिस्ट जिसके बड़े बड़े ख्वाब थे, अब जरा देखो खुद को, अपने इस फटीचर स्कूटर पर भोपाल की गलियों में घूमते हुए खुद को गांधी समझते हो? इस हफ्ते कब देगा? अगले महीने का मुहूर्त निकाला है, अब रिश्तेदारी भी तो निभानी है, तो मैं लड़के वाले को जवाब दूं? मीरा की उम्र भी तो हो रही है, बच्ची है अभी। बच्ची कहाँ है, 17 साल की हो गई है। मैं तो पंडित को बुला रही हूँ। हूँ, क्या कर रहे हो? ये ट्रांजिस्टर कहाँ से लाऊं? अरे वाह, आज तो यूनिफॉर्म में बहुत अच्छे लग रहे हो, नौकरी ओकरी लग रही है। पढ़ो, ये कम से कम तुम्हारी उस कहानी से तो अच्छी है, जिम मॉरिसन इन भोपाल, जर्मन हिप्पी निकला था वो। ऐसा होता है यार, स्टैंडर्ड बनाए रखना आसान नहीं है। पप्पू एक फर्स्ट क्लास। आज रात कल उधर। अरे रोज पेपर कौन पढ़ता है, तेरा बाप? तेरा दिन। कार्बाइड की यूनिफॉर्म? अरे राकेश की है। अरे कहाँ, अभी तो डेली बेस पे। बेचारा राकेश, उसने प्रोटेक्ट सूट नहीं पहना। अब इसमें गलती उसकी या कंपनी की? तुम ये कार्बाइड बंद करवा दोगे? ये बकवास छाप के। ए! बकवास नहीं, यही सच है। पाइपलाइन धोने का वक्त हो गया है, चलो धोना शुरू करो। उस होस पाइप को वहां डालो, मीटर में डालो। हाँ, उस मीटर में। पहले दिया है ना, हमारे पास हाथ है, हौसला है, चलो इस्तेमाल करें। तुम्हें मालूम नहीं इसमें स्लिप डिस्क डालते हैं? कभी भी पानी और एमआईसी मिक्स नहीं होना चाहिए, कभी नहीं। जब तक हम अपनी गलतियों से सीखते रहेंगे, हम सेफ हैं। सब कुछ ठीक है, चलो चलो काम पर लग जाओ, काम पर लग जाओ। अरे बच्चों संभल के, कहाँ चले? कैसी बनाऊं हजामत?
अरे आप कहाँ थे? मैं तो ढूंढ रहा था। जब पैसे लेने होते हैं तो पाशा पाशा, नहीं तो चूना चूना। नहीं नहीं नहीं, आपके पैसे रखे आपका, देखो ये। ये तो पिछले हफ्ते के हैं, इस हफ्ते के। अभी दो दिन काम करूंगा तो निपटाऊंगा ना। तुम्हें पता है मैं कार्बाइड वालों को आधे लून देता हूँ। देते रहो, लेते रहो। अब अभी दाढ़ी बनाने तो ये लो, दाढ़ी बनाने के ठीक है। आज तो दे दीजिए, खुदा हाफिज। तुमने अस्तुरे दे दिया उसको, काट दे तो मिस्टर चौधरी, आपने आपने एयर कंडीशनिंग क्यों बंद कर दिया? बेकार ही इतनी बिजली खर्च होती है मिस्टर रॉय। पर एमआईसी को जीरो डिग्री से नीचे रखना पड़ता। जानता हूं, जानता हूं। पर फ्रेयॉन गैस की कीमत क्या है आप जानते हैं मिस्टर रॉय? इतनी फिक्र मत कीजिए मिस्टर रॉय। अमेरिकन की इंटरव्यू ली थी तो तुम जेल गए थे, याद है? तो क्या हुआ, हमें तो नए गॉसिप चाहिए। जाओ जाओ, खुदा हाफिज़ रशीद। वेलकम टू भोपाल री गाइड। तो ये एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। भोपाल में दुनिया समाई है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम या क्रिश्चियन, सबके सब मिलजुल कर रहते हैं। तो फैक्ट्री मनेला ले जा रहे हैं। क्या मतलब? कार्बाइड आपके लोग मनेला जा रहे हैं ना? मेरे लोग? आप कार्बाइड के काम से नहीं आई हैं? तुम क्या बोल रहे हो? चलिए छोड़िए बस अब। तो आप यहाँ क्यों आई हैं? इंटरव्यू करने नेपोलियन का। नेपोलियन का? आप उसकी रिश्तेदार हैं? जर्नलिस्ट हूँ। ए भैया रुको रुको, हम आपका इंतजार करेंगे, ठीक है? यस, इंटरव्यू एवा कॉफील्ड। आप अमेरिकन हैं? मेरी ग्रैंड मदर फ्रांस से है। ओह, मेरे कजिन। आइए, जमीन का ये टुकड़ा हमेशा फ्रांस रहेगा। तो ये बॉबन फैमिली भोपाल में कैसे आ गई? 500 साल पहले जब बहुत से यूरोपियन लोग काम के लिए इंडिया आए थे, जॉन फिली बॉबन, मेरे परदादा भी उन्हीं में से एक थे। मुझे तो सपने भी फ्रेंच में आते हैं। हे नेपोलियन, सूट बूट पहनने से कोई फ्रेंच नहीं बन जाता। तू क्या, तेरी पांच पुश्तों की कहानी मैं जानता हूं। यहां से बाहर निकल के तो दिखा, लोग तेरा फ्रेंच टोस्ट बना देंगे। ये लोग
कभी नहीं सुधरेंगे। मैडम आप जारी रखिए, मैं माफी चाहता हूँ। क्या आपकी फैमिली कभी फ्रांस वापस जाएगी? भोपाल को छोड़कर ये लोग हमें जाने देंगे? उस बेवकूफ का इंटरव्यू क्यों ले रही थी आप? तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ मोटवानी। देखिए आप किस बारे में लिखती हैं? लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल, ओके ओके। एक सच्ची कहानी लिखना चाहेंगी? नो, मेरा काम खत्म हो गया। ऐसे कैसे खत्म हो गया, आप एक जर्नलिस्ट हैं। भैया अंदर चलो। यहीं रुकना। तुम यहाँ क्यों लाए हो मुझे? वहाँ देखो, वो विधवा, यही है असली भोपाल, असली जिंदगी। लो फोटो लो। इसके लाइफस्टाइल के बारे में बताऊं? इसके पति को कार्बाइड वालों ने मार दिया। बहुत बुरा हुआ। क्या आप चले यहाँ से? रेलवे स्टेशन। वैसे हुआ क्या उसके हस्बैंड को? आप क्या करेंगे जानकर? ये लाइफस्टाइल नहीं है मैडम, लाइफ है। पक्का मौन। यूनियन कार्बाइड पूरे 40 टन जहर भोपाल शहर में रखे हुए हैं, जो रोज रात को लीक होता है। उस जहर की एक बूंद ने उसके पति को मार दिया। तुम जानते थे उसे? वो मेरे बचपन का दोस्त था। मेरा नाम एवा है। यहीं रुकना। द वॉइस ऑफ भोपाल में आपका स्वागत है, आइए। ये रहा मेरा ऑफिस। आपके अखबार जितना बड़ा तो नहीं है, पर यहाँ पर मेरा ही राज चलता है। देखिए ये लीजिए। तुम्हारी हेडलाइंस और दुश्मन वाकई बड़े हैं। दुश्मन मेरी हेडलाइंस की तरह हैं, बड़े, मशहूर और बदतमीज। तो कार्बाइड भोपाल क्यों आई? भोपाल देश के बीचों बीच है, लेकिन फिर भी सबसे अलग थलग है। सस्ती सरकारी जमीन, सस्ते दाम पर पानी और बिजली, रेलवे कनेक्शन, सब कुछ है यहाँ पर। तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? मुझे एक इंटरव्यू चाहिए। एंडरसन जो कंपनी का चेयरमैन है, वो यहाँ के मंत्रियों के साथ मुलाकात करने आ रहा है। नौकरियों का मतलब है वोट्स। वो लोग मिलकर फायदा उठाना चाहते हैं। गर्मी थोड़ी ज्यादा है ना? सब कुछ बहुत भरा भरा लग रहा है। ये सब बिना प्लानिंग के बनते जा रहे हैं। सब कुछ सोच समझ कर बनाया गया है। समझ गए टेड? कम से कम उन्हें छांव तो मिल रही है। ये स्टॉक यहाँ कब से पड़ा है? ये 6 हफ्ते पहले बना है। क्यों, ये बिके क्यों नहीं? आजकल बारिश का कोई ठिकाना नहीं है सर। बेचारे किसान जिन पैसों से बीज और पेस्टिसाइड्स खरीदते हैं, उससे परिवार पाल रहे हैं सर। साफ साफ कहो प्लीज, फसल नहीं हुई, सूखा पड़ा है। हाँ, ये हुई ना बात। ये पुरानी मशीनें ठीक ठाक चल रही है ना? Yes, sir. कमाल है अमेरिकन इंजीनियरिंग। सर जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने कंट्रोल रूम में काफी बदलाव किए हैं। हाँ, मैं देख रहा हूँ। 3 शिफ्ट चला रहे हैं? नहीं सर, एक्चुअली हम 2 शिफ्ट में काम कर रहे हैं। उतने में काम हो रहा है? हमारे सेफ्टी ऑफिसर ये आपके सब सवालों के जवाब दे रहे हो। मैं आपका कोट ले लूं सर। तो क्या नाम है तुम्हारा? नाम बताओ। दिलीप। दिलीप, मैं वॉरन हूँ। क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? इस वाल्व का मैक्सिमम प्रेशर क्या है, बता सकते हो? दबाव पूछ रहे हैं? दबाव बताओ, ऊपर देखे बताओ। नो नो प्लीज, उसे बोलने दो।
साहब मेरा काम इस पे नजर रखना। सर इन लोगों को टेक्निकल वर्ड समझ में नहीं आते। दरअसल ये नया है सर, काम थोड़ा ज्यादा है इसलिए यही ट्रेनिंग दे रहे सर। क्या ऐसा करना तुम्हें सेफ लगता है मिस्टर रॉय? I'm sorry सर, लेकिन सर हम लोग बहुत कम रिसोर्सेज में भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि रिजल्ट अच्छा होगा। I'm sorry, तुमने अपना नाम क्या बताया? नाम बताओ। दिलीप। दिलीप प्लीज मेरे साथ आओ। चलो चलो चलो। हम यहाँ कितनी MIC रखते हैं? कम ज्यादा होता रहता है। जरा यहाँ देखो, ये वाल्व लीक हो रहा है। दिलीप तुम इस वाल्व का लीकेज कैसे ठीक करोगे? उसको टाइम करो, चलो स्पैनर से टाइट करो, चलो चलो स्पैनर से टाइट करो। आप यहाँ सिगरेट नहीं पी सकते, क्यों? सिगरेट पीना मना है यहाँ। छुप के देखो ना, छुप के देखो, ध्यान से टाइट। छोड़ो, जाने दो, मैं करके दिखाता हूँ। थैंक यू। मैं भी एक वर्कर हूँ डेड। दिलीप तुम इनके हंसने पर कभी ध्यान मत देना। मैंने यहाँ फैक्ट्री खोलनी चाहिए तो लोग मुझ पर भी हंसे थे, ऐसा होता है समझे? ओके। जानते हो मेरे डैड एक प्लम्बर थे, तुम अगर मेहनत करो तो कुछ भी हासिल कर सकते हो। थैंक्स। हेलो एवरीवन, सब लोग यहां आ जाइए प्लीज। सब लोग आ जाइए। यस, सब लोग बाहर आ जाइए। यस, हाँ सब लोग। वहां पीछे सुनाई दे रहा है? ठीक है, वहां ऊपर भी सुनाई दे रहा है, सुन सकते हो? ऑलराइट। सॉरी आपका काम रोका। मेरा नाम है वॉरेन एंडरसन, यहां का चेयरमैन, पर उससे पहले मैं हूं एक कार्बाइडर और मैं आप सबसे झूठ नहीं बोलने वाला। हम एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, हमारे पास कम रिसोर्सेस हैं, पर जानते हो जब मैं 10 साल पहले यहाँ आया तो किसी को यकीन नहीं हुआ कि हम फैक्ट्री बनाएंगे, लेकिन हमने बनाई और अब हमें आगे बढ़ना है। हम मिलकर सूखे का सामना करेंगे। याद रहे, हम सिर्फ कार्बाइड नहीं, यूनियन कार्बाइड हैं। हमें कंपनी का और अपना सुनहरा भविष्य बनाना है साथ मिलकर, ठीक है? ये सच है कि हमारे पास रिसोर्सेस कम है, पर हमारे पास दिमाग है, दिल है और ये हाथ है। सो जेंटलमैन, उनका इस्तेमाल करें। I thank you and God bless you all. मैं कुछ दिन और यहाँ हूँ तो काम करके देखना। Thank you. Keep up the good work, Dilip. Bye bye. Thank you. Bye bye. क्या कहा इन्होंने? बारिश के लिए प्रार्थना करो अपने भगवान से। क्या बढ़िया स्पीच थी सर। थैंक यू टेड, पर तुम यहाँ सिगरेट नहीं पी सकते। हाँ कहिए मिस्टर गुप्ता। यस सर, मैं कह रहा था कि यहाँ के 3 टैंक्स बार बार रिपेयर करवाने पड़ते हैं जिससे प्रोडक्शन रुकता है, राइट? बिल्कुल सही कहा सर। ठीक है, तुम एक बार फिर से मुझे सोल्यूशन की डिटेल जानकारी इस चार्ट पर समझा सकते हो प्लीज? जी जरूर सर। सिंपल सोल्यूशन, एक बाईपास लाइन डालते हैं, आप मेरा मतलब है जम्पर लाइन, ऑलराइट? अगर ऐसा कर दिया तो फिर रिपेयर हो ना हो प्रोडक्शन जारी रहेगा। मिस्टर गुप्ता तुम तो इसे पूरी तरह बदल रहे हो, अमेरिकन ऑफिस मंजूरी नहीं देगा। सर आपने चीफ मिनिस्टर को फोन किया था ना, उनका कॉल है। हेलो मिस्टर शुक्ला, थैंक यू आपने मेरे फोन का जवाब दिया। काम तो हमेशा चलता ही रहता है। देखिए एक जरूरी बात करनी थी, हमें फैक्ट्री में काम करने के तरीके में कुछ बदलाव करने होंगे वरना हमें काम जल्द ही बंद करना पड़ेगा। मुझे डर है कि ऐसा करने से कई लोगों की नौकरी भी जाएगी। तो फिर क्या हम आज रात को डिनर पर मिल सकते हैं? अच्छा तो ड्रिंक्स पर। डोंट वरी, आप 10 बजे तक अपनी बीवी के पास घर पहुंच जाएंगे। ऑलराइट, थैंक यू सर। इस बीच में इसके सारे डिटेल आपको तुरंत भेज देता हूं। मेरा मतलब है इस काम को शुरू करने के लिए आपकी मंजूरी चाहिए। ऑलराइट, थैंक यू सर। तो फिर आज रात को हम जरूर मिलते हैं। बाय बाय। इसके अंजाम बहुत बुरे हो सकते हैं सर। हाँ मैं बोरिस लेने के लिए तैयार हूँ। शेन बाहर क्या हो रहा है? ये अपनी कंपनी के लोग हैं, वो नारे लगा रहे हैं। हाँ। अब इनका क्या करें? ये लोग नारे क्यों लगा रहे हैं? वो मेरे दोस्त की मौत का विरोध कर रहे हैं।
उनसे सच उगलवाना। वो आ रहे हैं। शेन, उस लेबर मिनिस्टर को आज ही डिजाइन पहुंचा देना। ठीक है सर, पहुंच जाएगा। खुद को जर्नलिस्ट कहते हो? एक्सक्यूज मी। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, मैंने कहा गाड़ी रोको। आप ठीक तो है मिस? हाँ, एवा कॉफर्ड, एसोसिएटेड प्रेस। क्या कहा भाई, मुसीबत में है? तुम अमेरिकन हो? हाँ। आओ गाड़ी में बैठो। शेन, तुम आगे बैठ जाओ, ये मैम मेरे साथ पीछे बैठ। चलो चलो चलो। वो मेरे लिए काम करती है। इंटरव्यू लेने के और भी तरीके हैं। ओके मिस कॉफील्ड, क्या पूछना है आपको? सिर्फ एक बूंद से इसका पति मर गया, आखिर क्या था ये? MIC यानी जहर। कीड़े और कैसे मारते हैं? वेल, यहाँ 40 टन टैंक्स में स्टोर किया जाता है, जबकि अमेरिका में छोटी बॉटल्स में। ऐसा क्यों? अमेरिका में कायदे कानून काफी कॉम्प्लिकेटेड है, मगर यहाँ सब आसान है और सेफ्टी इतनी बुरी भी नहीं है। तो क्या इतना सारा जहर एक शहर के बीच रखना सही है? जब हमने काम शुरू किया यहाँ कोई शहर था ही नहीं, हम तो शहर के बाहर थे, शहर हमारे पास आ गया और अब वो बन गया है एक टाइम बॉम्ब। देखो मैम, हमारी यूनियन कार्बाइड ने पहला एटॉमिक बॉम्ब बनाकर करोड़ों की जान बचाई 1945 में, और हमें उस पर नाज है, मगर हम टाइम बॉम्ब बनाने का काम नहीं करते। लोगों की मौत से फर्क नहीं पड़ता? मुझे इस हादसे का अफसोस है, लेकिन क्या तुम जानती हो मिस, इंडिया में लोग सबसे ज्यादा किस से मरते हैं? मलेरिया से। कार्बाइड लोगों की जान बचाने का काम करती है, और आपको बता दूं मिस, हमारे फैक्ट्री में वर्कर्स के लिए सबसे अच्छे सेफ्टी मेजर्स हैं, मगर वो आदमी लापरवाही से मरा। उनकी सेफ्टी आपकी जिम्मेदारी नहीं है? पेपर पर हाँ, मगर असल में सेफ्टी एक लोकल मामला है। इसका क्या मतलब? मतलब यूनियन कार्बाइड भोपाल को नहीं चलाता, बल्कि भोपाल चलता है कार्बाइड इंडिया लिमिटेड से। आप कार्बाइड के CEO है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सच कहूँ तो मैं इन्हें हौसला देने आया। अपने अकाउंटेंट के साथ? सॉरी, पर क्या आप उस आदमी को जानती हैं? एक मिनट, तुम इसके लिए काम करती हो? ये न्यूज़पेपर उसी का है। अच्छा, तो मैं AP से नहीं हूँ तो मुझे सच नहीं बताओगे? मैंने तुमसे झूठ बोला? मुझे कैसे मालूम, आप तो किसी पॉलिटिशियन की तरह बात कर रहे हैं। मैंने तुम्हें इज्जत दी, गाड़ी में बिठाया, तो कम से कम कोई ढंग के सवाल पूछोगी तो शायद तुम्हें कोई अच्छी कहानी मिल जाएगी। आपकी फैक्ट्री शहर का दम घोट रही है। हाँ, बदबूदार है, मानता हूँ, हम यहाँ परफ्यूम नहीं बना रहे, पर ये फैक्ट्री सबका पेट भरती है। आप बॉस हैं, इन लोकल बेचारे लोगों पर अपनी जिम्मेदारी थोपना बंद कीजिए। ये लोकल हमारे लोग हैं, मेहरबानी करके इन्हें बेचारा मत बनाओ। हाँ, आपके लोग, आपका कायदा उनके देश में। पता है, मैंने आपको गलत समझा, आप तो पॉलिटिशियन से भी बुरे निकले, आप एक जिम्मेदार इंसान नहीं है। तुम अब भी मुझे गलत समझ रही हो मिस, मैं तो एक कीड़े मारने वाली दवाई की दुकान चलाता हूँ। हाँ, और मैं एक स्टूडेंट जर्नलिस्ट हूँ जो कुछ कर दिखाना चाहती है। तुम AP के साथ नहीं हो तो किसके साथ हो मिस? पेरिस मैच। तो हमसे झूठ बोला आपने, आप कहाँ उतरना चाहेंगे? हाँ, बस यहीं पर। ओके, ड्राइवर गाड़ी रोको प्लीज। हे मिस, जरा एक मिनट, याद रहे अगर इमारत बनानी है तो किसी को तो जमीन खोदनी ही पड़ती है, बुरा मत मानना। कमीनों ने बाहर फेंक दिया? मैंने सारे सवाल पूछ लिए, क्या तुम सच बोल रहे हो? 110%। मुझे नहीं मालूम था कि तुम एसोसिएटेड प्रेस में हो। मैंने झूठ बोला, समझे? ये हुई ना जर्नलिस्ट वाली बात। ललित जी, ललित जी, जरा इसे एक बार भूल जाओ शेर, ये मंजूरी नहीं मिलने वाली। सुनिए तो, ढांचे में बदलाव किए तो प्रोडक्शन बढ़ेगी और तभी नौकरियां बचेंगी। हाँ, क्या है, इसको निकालो, बैठ जाओ दोस्त। ओ, थैंक यू, थैंक यू। शेन, मुझे सही जवाब देना, कार्बाइड की पहल देना, मुझे जवाब चाहिए, वहां लोग मेरे पीछे पड़े हैं, जवाब दो मुझे। ये तो स्पेशल ऑपरेशंस रिपोर्ट है, ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है, ये तो हमेशा रफ होती है, आपको कहां से मिली? मुझे मिली नहीं, ये ऑपोजिशन ने आज सुबह मुझे दी है। ऑपोजिशन ने? हाँ, और अब वो सब कार्बाइड बंद करवाना चाहते हैं। किस बात पर ललित जी, हम कितनी बार ये बात कर चुके हैं, इसमें नया क्या है? हालात बदल गए हैं शेन, झोपड़े लीगल हो गए हैं,
उन्हें वोट देने का और सांस लेने का पूरा हक है। हाँ, और काम करने का भी। ये बात आपको उन लोगों को समझानी होगी, इसमें उन्हीं की भलाई है। सारा खेल वोटों का है शेन, ये इंडिया है, हमें भी तो कुर्सी संभालनी है। ओके, पर 10 साल बाद अगर वो हमारे पीछे आए तो आप हमें फिर से प्लांट हटाने को कहेंगे, है ना? तुम मुझे रिश्वत दे रहे हो? नहीं नहीं ललित जी, ये तो सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट है, आखिर आपको अपनी कुर्सी भी तो संभालनी है। ये नहीं चाहिए कहा था ना आपने? ओके दोस्त, ओके सेशन शुरू होने वाला है, मुझे अब अपना हाउस संभालना है और तुम अपना हाउस ठीक करो। जी हो जाएगा, पर अपने हाउस से कहिएगा कार्बाइड कोई छोटा पत्थर नहीं है जिसे कोई भी उठा ले और कहीं भी फेंक दे, ये उतना आसान नहीं है। ओके, अब ये जवाब कैसा लगा? तुम दिल जीत लेते हो शेन, और तुम अमेरिकन लोग ऐसे मुस्कुराते हो कि कोई भी कंफ्यूज हो जाए। फिर भी लोग मुझे पसंद करते हैं। यही तो प्रॉब्लम है तुम अमेरिकन की, तुम्हें लगता है पसंद करना और समझना दोनों एक ही बात है। मैं समझ गया सर। अरे भैया, तो कल भी हो सकता है। ये डिजाइन हायर ऑफिस तक जल्द ही पहुंच जाना चाहिए, ठीक है? हाँ ठीक है। मिस्टर एंडरसन यहाँ कुछ ही दिन और हैं। डोंट वरी। थैंक यू। मैंने कितनी बार कहा इसके लिए बार बार मत आया करो यार, बंद करो इसको। सर ये हादसा जानबूझकर करवाया गया हो सकता है, मेरा मतलब है इंदिरा गांधी को मारा गया, ये लोग इस वक्त कुछ भी करवा सकते हैं। ये एक पिछड़ा हुआ देश है, यहाँ ये सब होता रहता है। शुक्र है हमारे रिलेशंस यहाँ के लोकल गवर्नमेंट के साथ काफी मजबूत हैं, इसलिए हमारी फैक्ट्री सुरक्षित है। सर हालात बदल गए, अब ऑपोजिशन के लोग बोलने लगे हैं। Cheers. हमें खुशी होती अगर आप डिनर के लिए रुक जाते। दिल्ली से मेरा एक ट्रंक कॉल आने वाला है। आप तो जानते हैं इलेक्शन है। Yes, of course. और हम आपको हर तरह से सपोर्ट करेंगे। थैंक यू। वैसे मुझे इस बारे में अपने स्टाफ से बात करनी होगी, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, ये सुनकर बहुत खुशी हुई, और अपनी वाइफ को मेरा हेलो कहिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, नाइस मीटिंग यू। यू टू सर, बाय बाय। बाय बाय। क्या खुशबू है? सैंडलवुड की है। मैं कुछ समझा नहीं सर। मैंने सालों से जानता हूं, इन्हें लोगों की नौकरियां बचानी है। हम यहां कर क्या रहे हैं? पेस्टिसाइड बना रहे हैं जो ये लोग खरीद भी नहीं सकते। मैं यहां किसानों के फायदे के लिए आया हूं, अपना फायदा नहीं। इंडिया ही क्यों? ये मेरा अपना फैसला था टेड। जानते हो जब 60s में इंडिया चाइना से वॉर हार गया था और इंडिया ने सोवियत यूनियन से हाथ मिलाया तो अमेरिका बिल्कुल नर्वस हो गया था। जब भूखी मदर इंडिया ने अपना हाथ बढ़ाया गेहूं के लिए तो अमेरिका ने इन्हें अकाल रोकने में मदद की थी, और उसके बाद अमेरिकन सरकार ने कहा तुम्हें बीज चाहिए तो हमारी शर्तें मानो और एक नया ट्रेड एग्रीमेंट बनाया। PL 480। हाँ बिल्कुल वही। और इसी के जवाब में इंडिया ने अपनी ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू की, जिससे किसानों को नई बीज, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स मिलने लगे, और इससे ये किसान करोड़ों इंडियंस का पेट भर पाए। हमें नहीं चाहिए PL 480। हाँ सही कहा। इंडिया बिजनेस करना चाहता था और कार्बाइड इस मौके का फायदा उठाना चाहता था। मेरा एक और मकसद था, मैं काम के साथ में इन सब लोगों का भला भी करना चाहता था। इतने ऊंचे विचार और ये चेयरमैनशिप, बहुत ही मुश्किल काम होगा ये। हाँ सो तो है टेड, मैंने यहां से बहुत कुछ पाया है और बहुत कुछ लौटाया भी है, और अब डिनर का वक्त हो गया है। सॉरी मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, सब कुछ ठीक है? तुम आ गए, बैठो। तो बताओ मनीला कैसा लग रहा है? बताने जैसा कुछ है ही नहीं, वहाँ अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हारी वहाँ जरूरत है, अपना काम बढ़ रहा है। हाँ जानता हूँ। शॉपिंग की तुमने?
ओह, ये एक एम्प्लॉय ने गिफ्ट दिया है, थैंक यू। जिंदगी में हर चीज की कीमत होती है। हाँ, इसीलिए मैं उस मजदूर के घर वालों से मिलने गया था। ऑफ कोर्स, तुम्हारा जाना तो बनता है। पैसे कितने मांगे उन्होंने? उन्होंने मांगे ना? मैंने पूछा ना उन्होंने मांगा। देखो, हम सब इस हादसे से परेशान हैं। मुझे गलत मत समझना, पर तुम इमोशनल हो रहे हो। देखो, मैं किसी का वकील नहीं हूँ। तुम्हें जितना ठीक लगे उतना कॉम्पनसेशन उन्हें दे क्यों नहीं देते? मनीला में काम करने के तुम्हें कितने एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं? $50। क्यों? $50 ही क्यों? वो मनीला है। एग्जैक्टली। तुम्हारी वहां किसी गंदी बीमारी से मरने के चांसेस 10,000 में से एक हैं, और इसीलिए तुमने वो रिस्क $50 में उठा लिया। 50 को 10,000 से मल्टीप्लाई किया तो $500,000। ये है तुम्हारी जिंदगी की कीमत, और ये कीमत तुमने ही लगाई है। क्या थोड़ा सस्ता नहीं मिल सकता टेड? कहना क्या चाहते हो? हम पैसे लेकर रिस्क उठाते हैं और पैसे देकर रिस्क घटाते हैं। तुम वॉल्वो कार चलाते हो? नहीं, मैं अकाउंटेंट नहीं हूँ। कॉम्पनसेशन उसकी सैलरी में ही था। परिवार से कहो, वो रिस्क जानता था। ओके, तो अपनी वॉल्वो कार में जाकर तुम ही उन्हें ये बता दो। वो तुम्हारा काम है, मैं सिर्फ एक अकाउंटेंट हूँ। ओके, आई एम सॉरी गाइस, मुझे लगा कि उस मजदूर की हालत हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं गलत था। नहीं, तुम एकदम सही हो शेन। हमारी बाकी जिम्मेदारी, मनीला, ज्यूरिख, डैनबरी, वो भोपाल का भार क्यों उठाएंगे? हाँ, हमारी और भी जिम्मेदारियां हैं दुनिया में। मिस्टर एंडरसन, हम कब तक शेयर होल्डर्स के सामने अपने हाथ फैलाते रहेंगे, और आखिर कब तक वो हमारा साथ देंगे? जेंटलमैन, एक सवाल है। रेड और व्हाइट? कुछ भी चलेगा, व्हाइट। रेड हम दोनों लेंगे, थैंक यू। यस सर। हेलो डैनबरी, कॉर्पोरेट अकाउंट्स। मार्क, हेलो मार्क। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, मैं टेड। देखो, मुझे कुछ ऐसा बताओ कि ये प्लांट बंद हो जाए। वैसे भी कुछ पैसे नहीं बन रहे, और ये लोग सिर्फ बैठ के चाय पीते रहते हैं। देखो, तुम्हें तो हजारों वजह मिल जाएंगी इस प्लांट को बंद करने के लिए। अच्छा सुनो, वो स्पेशल ऑपरेशन रिपोर्ट बाहर क्यों नहीं निकालते? वो बहुत खराब है। ओके, मैं देखता हूँ। मार्क, थैंक यू वेरी मच। चलो, जल्दी मिलेंगे। हेलो, तुम कहां से आ गए? क्या तुम मुझे सही राह दिखाने आए हो? नाम क्या है? बोलना नहीं आता? समझ नहीं आ रहा? सॉरी साहब। है, कोई बात नहीं, नींद नहीं आ रही है। क्यों नींद नहीं आ रही साहब? काम सोने नहीं दे रहा। चल बेटा, चल 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 बेटा। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें कार्बाइड पसंद है? जी साहब। कार्बाइड वाले ख्याल रखते हैं? जी साहब। तुम्हें लगता है कार्बाइड को भोपाल में ही रखना चाहिए? जी साहब। कुछ लोग नहीं मानते, यहां तक कि मेरे शेयर होल्डर भी। कुछ लोग कार्बाइड को खतरनाक समझते हैं, हम काम बढ़ा रहे हैं, और ये अजीब बात है। अभी तो हम पैसे भी नहीं बना रहे हैं, तो सवाल ये है कि मुझे ये प्लांट बंद करना चाहिए या नहीं? जी साहब। ओके, ये नाम नहीं पता था। नाम बता बेटा। ये बात नहीं करता। गुड बॉय साहब। ओके, गुड बॉय। जानते हो, मैं यहां से बहुत बहुत दूर रहता हूं, और मेरे बाद यहां किसी को तो फैक्ट्री का ख्याल रखना पड़ेगा। तुम मेरा ये काम कर पाओगे? तुमने अच्छा काम किया तो वापस आने के बाद मैं तुम्हें बॉस बना दूंगा। क्या ख्याल है बॉस? बॉस, वेरी गुड साहब। ओके, हाँ तुम लोग सब संभाल लोगे। आज मैं चैन से सोऊंगा।
थैंक यू जेंटलमैन, गुड नाइट। गुड नाइट साहब। कर रहे हो? बारिश के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। उधर जो अपने को रोटी दे वही अपना मालिक, वही अपना भगवान। आज पता है मालिक ने मुझसे हाथ मिलाया। कौन? अमेरिकन? एकदम गोरा गोरा लाल लाल। तुम्हारे सर की कसम। सच्ची? हाथ मिलाया? मानती हो हूँ कुछ? तभी आज सुबह से डिस्को डिस्को खेल रहे हो। तुम्हें वो फोटोज पसंद आई? हाँ, नेपोलियन की अच्छी है, पर वो बुरी आंखों वाली लड़की की फोटो बहुत ही अच्छी है। इंडिया कमाल है। वो एक विधवा है, उसकी भी एक कहानी है, तुम्हें जरूर पसंद आएगी। नहीं नहीं, वो छोड़ो, तुमने अच्छा काम किया इवा, बस वो काफी है। मुझे यहाँ भोपाल में एक बड़ी खबर मिलने वाली है, क्या मैं यहाँ कुछ और दिन रुक सकती हूँ प्लीज? देखो इवा, ऐसी कहानियाँ हर रोज होती है, अपने काम पर ध्यान दो, हमें वक्त पर काम खत्म करना है। ओके, वेरी गुड, बाय। मैडम, 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 आप कहाँ जा रही है मैडम? शादी कितना चाहिए? दहेज तो देना है। अटल है? ब्याज के ये क्या कर रहे हैं? नहीं चाहिए तेरे को? नहीं नहीं, चाहिए चाहिए चाहिए। अच्छे से करना बहन की शादी। थैंक यू सर, ये हुई ना इंडिया वाली बात, आखिर मिल ही गई है जंपर लाइन। वैसे थैंक्स मिस्टर एंडरसन को कहिए, उन्होंने डैनबरी के अकाउंटेंट और यहाँ के चीफ मिनिस्टर से बात की, उनके लिए ये काम इतना आसान नहीं था। जी बिल्कुल, मिस्टर एंडरसन बहुत दूर की सोचते हैं, जैसे कि रॉकफेलर, टाटा। अब काम पे ध्यान दीजिए ताकि मिस्टर एंडरसन का भोपाल आना जाया ना हो। अगले हफ्ते तक मैं चाहता हूँ कि ये पाइप पूरी तरह शुरू हो जाए। नो प्रॉब्लम सर, अब ये टैंक जुड़ गया और हमें प्रोडक्शन रोकने की जरूरत नहीं। गुड गुड, काम कीजिए मिस्टर चौधरी। जी बिल्कुल सर, थैंक यू। मुख्यमंत्री जी, भोपाल खतरे में है। अभी नहीं मोटवानी, बहुत बिजी हूँ, बजट सेशन चल रहा है। सर, MIC में ढेरों जहरीले कंपाउंड्स हैं, सबके सब जानलेवा हैं। बहुत हो गया, कल ही तुम्हारा प्रेस बंद करवाता हूँ। सर, ये पेपर पढ़ लीजिए, आप समझ जाएंगे।
अरे मोटवानी आ रहा है, संभल के बात कर। मोटवानी आ गया। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। मोटवानी कहाँ है तुम्हारी गोरी मैम? वो मेरे पेरिस वाले ऑफिस में है। जल्दी ही पूरी दुनिया में खबर फैल जाएगी, देसी ही नहीं विदेशी अखबारों में भी। देख लेना, फिर हमें ये गैस की बदबू नहीं झेलनी पड़ेगी। ए पप्पू, एक फर्स्ट क्लास लाना हमारे कार्बाइडर दोस्त के लिए। मैं सड़क पे था तब तुम कहाँ थे जिगरी दोस्त? तुम तो सच्चाई देखना ही नहीं चाहते हो। सच्चाई देखनी है तुम्हें? जब भूख से पेट में बल पड़ जाते हैं, चक्कर आने लगते हैं, तो आदमी सच झूठ सब भूल जाता है। मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ वो किसके लिए है? पता नहीं क्या बकर है। अपनी आंखें खुली रखो। साहब, चश्मा कहाँ है तुम्हारा? चश्मा पहने। गुड। अच्छा पतिले, ध्यान से यार, एकदम ध्यान से रहना। साहब, हमारा एक दोस्त कुछ जानना चाहता है। कौन दोस्त? मोटवानी। साहब माफ करिए, हम तो ऐसे ही बोलते। क्या जानना चाहते हैं? यही कि MIC पूरे 40 साल क्या ये खतरनाक है? आओ नीचे आओ। आओ मेरे साथ। सुनो, याद रखना MIC और पानी हमेशा अलग रहे, ठीक है? हाँ, और अगर फिर भी कोई लीक हो जाए तो ये फ्लैट आवर है। हाँ, कॉस्टिक सोडा से MIC को चला सकते हैं। फिर भी अगर लीक बंद ना हो तो एक और तरीका है। इधर इधर ये देख रहे हो, पानी से लीक बंद हो सकता है। एक और तरीका है, आओ मेरे साथ। उसके बावजूद अगर लीक बंद ना हो तो चौथा तरीका है। आओ दिखाता हूं तुम्हें। आओ आओ, देखो ये है चौथा तरीका। MIC को ठंडा करके उसको फ्रीज करना पड़ता है, लेकिन हम ये कर नहीं सकते क्योंकि कुछ लोगों ने कंपनी का पैसा बचाने के लिए एयर कंडीशनिंग को बंद कर दिया है। जाके बताना मोटवानी को। साहब क्या है दिलीप? हमें कोई खतरा तो नहीं है? तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी है? साहब बहन की शादी में जरूर आइएगा। मैंने रिजाइन कर दिया है। मिस्टर गुप्ता, एक प्रॉब्लम आ गई है, प्रोडक्शन रोक दो इसी वक्त। लेकिन मैं स्टाफ से क्या कहूँ? हाँ, उनसे कहो मेंटेनेंस हो रहा है। प्लांट बंद कर दो मिस्टर चौधरी। लेकिन मैं स्टाफ से क्या कहूं? कहो कि जब तक पहला स्टॉक क्लियर नहीं होता मशीनें बंद रहेंगी। MIC का स्टॉक कितना बचा है? 2 टन। सारा माल इस्तेमाल कर लो। ज्यादा भी हो सकता है सर। गैस कर रहे हो? मुझे सही हिसाब दो अभी के अभी मिस्टर चौधरी। वॉइस ऑफ भोपाल। मोटवानी, तू तो ईद का चांद हो गया, कहाँ है तू? रॉय बोल रहा था कि MIC वाटर मिक्सिंग और ये डेंजरस, पता नहीं कुछ समझ में नहीं आया। शाबाश, और क्या देखा? डर लग रहा है, कार्बाइड में हर तरफ डर फैला हुआ है। दिलीप, तुम्हारी नौकरी जा सकती है, तो जाए। मुझे नहीं करनी ऐसी नौकरी। मैं तो जा रहा हूँ कल से रिक्शा चलाने। आज मीरा की शादी हो जाए बस। आप शादी में जरूर आना। ए, क्या कर रहा है? वो आज शादी है ना, इसलिए सर बात कर रहा था। जाओ। रामू, फ्रंट पेज खाली रखना।
सब अच्छा लगा? बहुत बढ़िया इंतजाम है। आज तुमने अपने अब्बा के सपने को पूरा कर दिया, अल्लाह तुम्हें बहुत बरकत दे। अरे वाह। अंदर जा रहा है। मुझे आपकी राय जाननी है डॉक्टर, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है तुम अपनी ये प्रेस का लाइसेंस गटर में डाल दो मोटवानी। राकेश याद है उसका खून लाल सुर्ख क्यों हुआ था? जिससे राकेश की मौत हुई वो चीज साइनाइड जैसी थी। अब हटो, मुझे राउंड पे जाने दो, वापस आके तुम्हारा पोस्टमार्टम जो करना है। उन्होंने कहा कि MIC और पानी मिक्स मत करो। किसने कहा? कार्बाइड की सेफ्टी ऑफिसर रॉय ने, शायद MIC और पानी से साइनाइड बनता है। मैं कल उस सेफ्टी ऑफिसर से बात कर लूंगा। ओके डॉक्टर, साइनाइड का इलाज तो बताइए। काफी लोग गए हैं शादी में? हाँ, रात भर नाच गाना चलेगा। अच्छा, वो लॉग बुक पूरी कर दी? काम बंद। इसीलिए तो मैंने कहा गया है। मैंने रिजाइन किया सर, कल सुबह भोपाल छोड़ दूंगा। लाइंस कब धोई थी? डेढ़ घंटा पहले सर। देखो पानी निकला है कि नहीं। जी सर। जल्दी सर, वहाँ प्रेशर 150 pounds है सर, और टेम्परेचर 15 degrees है सर। क्या? अरे वो पाइप धो रहे हैं, बैठ जाओ। बदबू है सर। सालों से जो बदबू झेल रहे हो वही बदबू तो है। बैठ जाओ, रिलैक्स। पूरी कोशिश की है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम पार्वती नाथ मंगलाय तनोरी
बाबू 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 क्या हो रहा है? ये सारा पानी कहाँ जा रहा है? बाबू बाबू आओ जल्दी आओ, इसे अस्पताल ले जाओ, अभी आओ, सब लोग सब लोग आओ, सारे पंप बंद कर दो तुरंत, मास्क पहनो और पानी से हाथ धो, जल्दी जाओ। ये यहाँ क्यों लटका हुआ है? तुम जाओ, बस्ती वालों को निकालो जल्दी। चलो चलो, अलार्म क्यों नहीं बजाया? अलार्म बंद कर दिया गया था। तुम जाओ यहाँ से, बीजीएस की तरफ जाओ, बीजीएस की तरफ जाओ, बीजीएस की तरफ चलो। सच बोल रहा हूँ, जाओ। अगर जान बचानी है तो भागो। नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, चलो चलो, खाना खाते हैं सब लोग, चलो तैयारी करो, कुछ भी नहीं हुआ, चलो। अगर ये मोटवानी खाता हो या सीधा पकड़ा है, कुछ भी नहीं हुआ, चलो।
महिला कोई भी खाना नहीं खा पा रही है, सबकी तबीयत खराब हो रही है, आपकी आंखों में मिर्च से नहीं लग रही है। लेकिन ऐसी तो महक खाया नहीं जा रहा है, मतली आ रही है, बात सभी को ऐसा हो रहा है। देखते हैं, देखिए ना कुछ जल्दी, आंखों में जलन हो रही है। काका ज्यादा जल रही आंखें, चिंता मत करो। हट्टी तो बंद है आज, आप तो वहां काम करते हो, जाके देखो। देखो चिंता ना करो, कार्यक्रम चालू करो, हम देख के आते हैं। लेके आओ जल्दी। ये क्या है डॉक्टर? पानी से आंखें धो लो। डॉक्टर चंद्रा बोल रहा हूँ मोटवानी। तुम और क्या क्या जानते हो कार्बाइड के बारे में मोटवानी? सर आपको ये देखना नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ है उस फैक्ट्री में। डॉक्टर डॉक्टर अब हम क्या करें? और क्या ये पॉइजन है? जल्दी से सोडियम हाइपोक्लोराइट। डॉक्टर को सोडियम हाइपोक्लोराइट दो। यस डॉक्टर। आंखें धो लो। जी सर। प्लीज सुनो, पानी से आंखें धो लो, प्लीज जल्दी जाओ। आंखें धो लो पानी से। डॉक्टर अब हम क्या करें? चाहे हाइपोक्लोराइट हो जितना है सब लो। कौन सा जहर है सर? इट्स साइनाइड। फैक्ट्री से गैस लीक हो गया है।
किधर हो तुम लोग? तुम बाकी क्यों नहीं? से आंखें धो ली, हम इन्हें एंट्रोपिन स्टेरॉइड से दे। आप जानते हैं उसे कोई फायदा नहीं होगा। उनसे कहो कार्रवाई में कहा है। वो उम्मीद खो देंगे तो हम उन्हें खो देंगे। ओके का बैच लगा। अब बन गया तो कार्बाइडर। सबको पता चले कि इसको किसने मारा? मैं अभी मरा नहीं। तू उसी दिन मर गया जिस दिन तूने मेरी यूनिफॉर्म पहनी। देख देख
थैंक यू. क्या है, क्या लिखा है? एपी न्यूज फ्लैश, भोपाल, सेंट्रल इंडिया, कार्बाइड से पॉइजन गैस लीक हुआ, हजारों लोग मारे गए, मदद के लिए आर्मी को बुलाया गया है, लाशों के ढेर बढ़ते जा रहे हैं. सर, हमें वर्जीनिया प्लांट बंद करना होगा. क्यों? उसका यही डिजाइन है ना? नहीं, ये नहीं है. इन्होंने इसका डिजाइन बदला है. तो अब हम प्रेस से क्या कहने वाले हैं? MIC सेफ है. ओके. और वैसे हमारी लीगल पोजीशन क्या है? यह है स्पेशल ऑपरेशंस रिपोर्ट जो 82 में बनाई गई थी. इसके मुताबिक MIC यूनिट में जोरदार रिएक्शन हो सकते हैं. इनकी लापरवाही से यह लीक हुआ है. तो हम सेफ हैं? हां, उन्हें वार्न किया गया था. तो अब हम क्या करें? वो भोपाल वालों ने हमारा भरोसा तोड़ दिया शेन. हमने उनकी कितनी मदद की और उन्होंने हमें धोखा दिया. इस हादसे के लिए कोई नहीं बल्कि वो खुद ही जिम्मेदार हैं. मार्गरेट. यस सर. मेरी दिल्ली के लिए तुरंत एक सीट बुक करो और मेरी वाइफ से कहना कि मैं भोपाल जा रहा हूं. मुझे लगता है ये आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं.